हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू होम यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा आपको पता है कि हमने साइंस का आपका पोर्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ तो वहाँ पर साइंस बाय निखिल सर करके दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, या फिर जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि हम वन डे एग्ज़ाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करवाते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग साइंस में पहुँचे हैं ब्लड पर। एक नया टॉपिक है जो कि है ब्लड। और एक चीज़ यकीन से मानिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो SSC का CHSL, CGL, MTS कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगर आप ब्लड की वीडियो देख लेते हो तो फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, है ना। चलिए देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ब्लड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिर या रक्त। कहते ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, है ना। तो वो बोल सकते, तुम मुझे रुधिर दो मैं तुम्हें कुछ और दूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता। ब्लड क्या होता है सर, ध्यान से देखिए, ब्लड का मतलब क्या होता है। देखिए, ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो जानने के लिए हम पहली चीज़ क्या देखेंगे इसमें। पहला चीज़ होता है सर डिस्कवरी। क्या होता है? डिस्कवर्ड बाई, यानी किन्होंने या किसने ब्लड को खोजा, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था इनका? कार्ल लैंडस्टीनर था, है ना। हिंदी में भी नहीं क्या कहा जाता था सर, कार्ल लैंडस्टीनर कहा जाता था। तब आप कहोगे सर नाम हिंदी इंग्लिश क्या होता है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो अरस्तु साहब हैं, हिंदी में तो उन्हें अरस्तु लिखते हैं बट अंग्रेजी में उन्हें एरिस्टोटल लिखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ब्लड का डिस्कवर किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड ग्रुप यानी कि हमारे रक्त समूह का खोज कौन किया था, तो वो थे वीनर साहब। तब क्या लिखते हैं? तब लिखते हैं कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। ये वीडियो लेक्चर जो आपका होने वाला है, इसमें हम ब्लड के बारे में देखेंगे, ब्लड कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे, फिर ब्लड के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, फिर इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स कंपोजिशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ना कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनके पास माइक्रोस्कोप होता है, वो आपका ब्लड लेके जाते हैं सैंपल, फिर उसको लगाते हैं कांच पर, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्या अगर आपको माइक्रोस्कोप मिल जाए तो आप भी चेक कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो देखने के बाद आप एकदम आराम से बता सकते हो अगर आपको भी माइक्रोस्कोप मिल जाए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे चेक करेंगे वो बताया जाएगा, है ना। तो अगर बात करें तो डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब ब्लड के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ जाती है कि ये बताइए सर, जो ब्लड होता है काम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड काम क्या करता है? तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं यानी हमारे एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, यानी एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम ब्लड को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सहसंयोजी ऊतक, यानी कि जो हमारा ब्लड है वह क्या है सर, वह एक सहसंयोजी ऊतक है। और सहसंयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? यह हमारे एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। यानी वो ब्लड ही है जो हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से पकड़ करके या फिर बांध करके रखा हुआ है। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट डिस्कवर्ड। दूसरा पॉइंट हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें सर, तो ये बताइए ब्लड होता किस कलर का है? ब्लड होता किस कलर का है? तो ब्लड जो है सर आपका, जो आपका ब्लड होता है वो आपका होता है रेड कलर का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। ब्लड किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है। अब लाल रंग का क्यों होता है भैया? हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं RBC और WBC, तो RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो रेड ब्लड सेल का मतलब क्या है कि जो रक्त है वो लाल क्यों होता है, ये जो WBC है वो सफ़ेद ही क्यों होता है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है HB, या इसी को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा ब्लड होता है वह रेड किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त है वह रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन से एक चीज निकल करके आता है हीम, हीम क्रीम वाला हीम नहीं। हीम का मतलब क्या होता है? तो हीम का मतलब होता है सर आयरन।
हीम का मतलब क्या होता है? आयरन यानी कि लोहा होता है, लोहा यानी कि आयरन होता है। यानी हमारे ब्लड में क्या होता है, तो हमारे ब्लड में आयरन होता है यानी कि लोहा होता है। आ रही बात समझ में? और जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इसका कलर रेड है, हीमोग्लोबिन है, तो इसका कुछ पीएच भी होगा। पीएच का मतलब क्या होता है सर? पीएच होता है, देखिए पीएच का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहते ना, अरे तुम्हारा पोटेंशियल है क्या ये काम करने का, तो इसे हम क्या बोल देते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए जो हमारा ब्लड है उसका पीएच क्या होता है, यानी हमारा जो ब्लड है ब्लड का पीएच क्या होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो जो हमारे ब्लड का पीएच होता है सर, ये होता है 7.4। ये क्या होता है? 7.4 होता है। आर्य सोन में तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच कितना होता है ब्लड का, तो 7.4 होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। इसका एक अगर मैं आपको कंसेप्ट बता दूं तो क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अरे भैया उनको बिजली मार दिया, तो उनका जो खून था वो पूरा क्या होगा, चूस लिया। तो भैया जो हमारा बिजली होता है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट होता है, वो हमारे ब्लड को ही क्यों आकर्षित करता है, या फिर हमारे ब्लड को ही क्यों खींचता है? तो इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि जो हमारा करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। किसका गुण होता है? चुंबकत्व का, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और हमारा जो रक्त यानी कि ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है? आयरन यानी कि लोहा होता है, जिसकी वजह से जब करंट लगता है तो जो हमारा हमारा क्या है ब्लड है, वह डायरेक्ट कौन खींचता है? करंट खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? मैग्नेट है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि चुंबकत्व का प्रभाव है। और हमारे ब्लड में क्या है? तुम्हारे ब्लड में लोहा है, और लोहे को कौन आकर्षित करता है? चुंबक करता है। इसीलिए अगर करंट मारता है तो वो क्या करता है? डायरेक्ट हमारे ब्लड के ऊपर ही अटैक करता है। सारी बात समझ में? ये टॉपिक जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या और चीज़ें होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है? जैसे कितना करंट फ्लो करता है, करंट कहते किसे हैं, फिर चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या क्या इम्प्लाइज करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। बट ये छोटी सी कंसेप्ट थी जो आपको जानना जरूरी था। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए 7 से ऊपर होता है तो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, यानी बेसिक हो जाता है। इसीलिए जब आपके कहीं उंगली उंगली कटे, कुछ कटे, आप मुंह में डालेंगे तो आपको थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लंडस्टीनर किया था। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सहसंयोजी ऊतक है। ब्लड का कलर क्या होता है? रेड यानी कि लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसकी वजह से लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अब कुछ कंसेप्ट और हो जाते हैं ब्लड के बारे में, आपको ये जानना है। जैसे अगर मैं ब्लड के बारे में आपको बताऊँ, है ना, तो अगला कंसेप्ट ये है, अगला कंसेप्ट कि टोटल ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, टोटल ब्लड इन ह्यूमन बॉडी की। ये बताइए हमारे मानव के शरीर में टोटल ब्लड कितना होता है, यानी कितना ब्लड पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि जो मानव होते हैं उनके शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि जो होता है हमारे शरीर में, ये होता है 6 से 7 लीटर ब्लड। कितना लीटर ब्लड पाया जाता है हमारे शरीर में? 6 से 7 लीटर पाया जाता है, या फिर अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो ये होता है 6.8 लीटर। कितना पाया जाता है? 6.8 लीटर ब्लड पाया जाता है हमारे शरीर में। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए हीमोग्लोबिन की भी वैल्यू देती है, तो ये बताइए हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का रेंज क्या होता है? तो जो हीमोग्लोबिन का रेंज होता है सर, ये आपका होता है मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो मेल में क्या होता है? मेल में होता है 11 से 14, और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है 9 से 13। यानी कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो फीमेल में होती है 9 से 13, और मेल में क्या होता है? 11 से 14। इसका मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन यानी आयरन की मात्रा किसके में ज़्यादा है? मेल में ज़्यादा, और किसके में कम है? फीमेल में कम है। इसीलिए बोलते हैं कई लोग कि भैया जो हमारा मेल का जो बॉडी होता है वो स्टील बॉडी होता है, जबकि जो महिलाओं का बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर आयरन की क्या होती है? कमी होती है, जिसकी वजह से सॉफ्टनेस होता है, ठीक। तो टोटल ब्लड ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 6 से 7 लीटर, या फिर इसको हम 6.8 लीटर बोलते हैं। आर्य बात समझ में? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? मेल में 11 से 14 होती है, फीमेल में कितनी होती है? 9 से 13 होती है। चलिए अब अगले कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमें एक चीज़ जानना है, और ये है आपका ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है सर? ब्लड कंपोजिशन का मतलब होता है रक्त के घटक, रक्त के घटक, यानी कि रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या फिर अगर हम पूछें कि ये बताइए जो हमारा ब्लड है वह कितने प्रकार का होता है, या इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो अगर हम ब्लड कंपोजिशन की बात करें सर, तो दो कंपोजिशन होता है,
रक्त के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं सर। कौन कौन सा होता है? तो एक तो आपका होता है ब्लड प्लाज्मा, एक आपका क्या होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं रक्त प्लाज्मा। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा आपका होता है ब्लड कॉर्पसल्स। क्या होता है? ब्लड कॉर्पसल्स। देखिए स्पेलिंग में गड़बड़ाइएगा मत, स्पेलिंग क्या होता है कॉर्पसल्स का, तो CORPUSCLES। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रक्त कणिकाएं। इसे क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं बोलते हैं। अब हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा की बात अलग करेंगे और ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि रक्त कणिकाएं की बात अलग करेंगे। देखिए कई लोग इस डाउट में रहते हैं कि जो हमारा RBC होता है वो क्या होता है सर? वो फ्लूइड फॉर्म में होता है यानी कि द्रव पदार्थ में होता है। जैसे पदार्थ के तीन मैट क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, जैसे पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव किसको बोलते हैं? लिक्विड को बोलते हैं। क्लियर है चीज़? तो देखिए फ्लूइड क्या होता है ब्लड में, तो जो आपका ब्लड प्लाज्मा है ये क्या होता है? ये द्रव पदार्थ होता है। यानी जो हम ब्लड देखते हैं वो क्या होता है सर? लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब अगर हम बात करें ब्लड कॉर्पसल्स का, तो रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? तो नाम से ही आ रहा है कॉर्पसल्स, या फिर नाम से समझ में आ रहा है कणिकाएं, यानी कण होता है। क्या होता है? कण होता है। जैसे अगर हम बात करें ब्लड कॉर्पसल्स कितने टाइप के होते हैं, तो तीन चीज़ पाई जाती हैं ब्लड कॉर्पसल में। तीन चीज़ें क्या क्या पाई जाती हैं? पहला होता है RBC जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा होता है WBC जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तीसरा होता है प्लेटलेट्स जिसे हिंदू में बोलते हैं विम्बाणु। सारी बात समझ में? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और विम्बाणु, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सारी बात समझ में? अभी हम देखेंगे RBC की संख्या कितनी होती है, हम देखेंगे WBC की संख्या कितनी होती है, और देखेंगे प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। लेकिन आपको एक चीज़ जानना क्या जरूरी है कि ये जो कॉर्पसल्स हैं यानी कण हैं, तो जो हमारा RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स, ये कण के समान होता है। कैसा होता है? कण के समान। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा चाय बनता है, चाय देखते हैं ना आप, चाय क्या होता है सर? पूरा फ्लूइड होता है यानी पूरा द्रव होता है, लेकिन उसमें चाय पत्ती तैरता है, वो क्या होता है सर? वो भी तो कढ़ी है ना एक तरीके से। तो हमारे जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में तैरते हैं। यानी कि जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। उसमें जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं सर? तैरते हैं। यानी कि ये किस फॉर्म में होते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि ये किस फॉर्म में होते हैं? कण के फॉर्म में, यानी कॉर्पसल्स होते हैं। सारी बात समझ में? और ब्लड प्लाज्मा का मतलब क्या हो गया कि ये द्रव के रूप में होते हैं, द्रव पदार्थ बोला जाता है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, इरेज करके आपको ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके वन डे एग्जाम्स के लिए यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे किसी आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड के कॉम्पोजिशन कितने होते हैं? दो होते हैं। एक आपका क्या होता है सर? एक होता है आपका ब्लड प्लाज्मा। एक क्या होता है? एक होता है ब्लड प्लाज्मा, और इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त प्लाज्मा। दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरा क्या होता है? ब्लड कॉर्पसल्स, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और अगर ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं सर? तो इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो होता है इसे हम बोलते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है WBC, इसे क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। और जो आपका तीसरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सर प्लेटलेट्स, या हिंदी में इसी को बोलते हैं विम्बाणु। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? विम्बाणु। और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा प्लेटलेट्स की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि नॉर्मली फीवर भी हो रहा है तो प्लेटलेट्स कम हो जा रहा है। इसका रीज़न क्या है बताते हैं। तो RBC की अगर हम बात करें, इसकी संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो RBC होता है इसकी संख्या होती है सर 50 लाख। कितनी संख्या होती है? 50 लाख संख्या होती है। अगर हम बात करें WBC हमारे शरीर में कितना होता है, तो हमारे शरीर में जो WBC है वो केवल 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000 होता है। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात कर लें, विम्बाणु की बात कर लें, तो ये नॉर्मली कितना होता है? 2 लाख पाया जाता है। कितना? अब आप कहोगे सर ये बताइए, जो रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं उसमें 1.5 से 4 लाख बताता है। तो भाई मेरे, अगर आपकी बॉडी में 2 लाख प्लेटलेट्स, 10,000 WBC और 50 लाख की मात्रा में RBC है, इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ माने जाएंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ब्लड कॉर्पसल्स में सबसे छोटा कॉर्पसल कौन सा है? ब्लड कॉर्पसल में सबसे छोटा कॉर्पसल कौन सा है? तो मेरे भाई सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? RBC की। तो सबसे छोटा भी कौन सा होगा? RBC ही होगा। क्लियर ये चीज? चलिए अब
इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हमें पहले क्या जानना है, पहले हमें ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, यानी कि रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। तो रक्त प्लाज्मा के बारे में देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिएगा ब्लड प्लाज्मा या फिर रक्त प्लाज्मा, है ना। इसके बारे में आपको जो पहला पॉइंट जानना है ये क्या होता है, तो आप लिखेंगे इट इज फेंट येलो कलर, इट इज फेंट येलो कलर फ्लूइड। इट इज़ अ फेंट येलो कलर फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, यह हल्के पीले रंग का द्रव पदार्थ है। क्या है? द्रव पदार्थ है। क्लियर हो गई चीज़ें? यानी एक किस कलर का है सर? तो फेंट येलो कलर का है, यानी हल्के पीले रंग का है। तो पहला पॉइंट अगर ब्लड प्लाज्मा का देखा जाए तो वो क्या है सर, कि यह क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा भी था कि ये बताइए कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वह कितना परसेंट आयतन निर्धारित करता है या कितना परसेंट वॉल्यूम कंसिस्ट करता है। तो ये आप लिख लीजिएगा इट कंसिस्ट कितना परसेंट, तो 55-60% ऑफ वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम सर? तो लिख लीजिएगा ब्लड वॉल्यूम, यानी इसके बारे में लिख लीजिएगा यह 55-60% आयतन निर्धारित करता है। क्या करता है? आयतन निर्धारित करता है। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वह कितना परसेंट वॉल्यूम कंसिस्ट करता है, तो मेरे भाई आपका आंसर होना चाहिए 50-60% आयतन को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। वहीं अगर ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों को मिला की बात करें तो यह होगा 40-45%। तो यानी ब्लड कॉर्पसल्स कितना परसेंट आयतन निर्धारित करता है, तो यह आपका करता है 40-45%। और अगर यहीं पर हम बात कर लें कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है ये कितने परसेंट आयतन निर्धारित करता है, तो 55-60%। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। तो इट कंसिस्ट 55-60% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि रक्त का क्या करता है सर, 55-60% आयतन निर्धारित करता है। किस कलर का होता है, तो फेंट येलो कलर का होता है, यानी हल्के पीले रंग का पदार्थ। अब आपको एक चीज़ और जानना है इसमें इंपॉर्टेंट, वो क्या है सर, आपको जानना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा का मतलब क्या हो गया कि भैया मेरे कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, रक्त प्लाज्मा है, वह किन किन चीज़ों से और कितने मात्रा में मिलकर के बना है, ठीक। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो पहला आ जाता है सर इसमें, और ये आपका क्या है, इसमें हम चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला आता है हमारा वाटर, यानी इसे बोलते हैं H2O। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ब्लड प्लाज्मा में H2O की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा ये बताइए जो प्रोटीन होता है ये किसकी मात्रा कितनी होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रोटीन की मात्रा पूछेगा, उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत डीप में जाएगा तो पूछेगा ब्लड प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो दो प्रोटीन पाया जाता है, अभी बताएंगे। तीसरा हम बात करेंगे सर ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज कितने मात्रा में पाया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है सर आपका अजैविक तत्व। क्या होता है? अजैविक तत्व। तो अगर हम वाटर की बात करें, यानी कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, कितना प्रतिशत ग्लूकोज पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कितना परसेंट पाया जाता है, तो अगर हम वाटर की बात करें, H2O की बात करें, तो ये पाया जाता है 91-92%। कितना परसेंट? 91-92% ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें सर, तो ये पाया जाता है 7%। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 7% पाया जाता है। कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बंधु? तो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दो प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें। इसमें कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? दो प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो पहला आपका होता है फिब्रिनोजेन। क्या होता है? फिब्रिनोजेन। कहीं कहीं फिब्रीन भी लिखा होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो फिब्रिनोजेन पहला क्या हो गया सर? फिब्रिनोजेन हो गया। दूसरे की अगर बात करें कौन सा पाया जाता है प्रोटीन, तो वो आपका होता है एल्ब्यूमिन। ये क्या होता है? ये आपका होता है एल्ब्यूमिन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था आपको जानना, ठीक। तो प्रोटीन कौन सा पाया जाता है सर? तो एक तो होता है फिब्रिनोजेन और दूसरा क्या होता है? एल्ब्यूमिन। अगर बात कर ले हम लोग ग्लूकोज कितना पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है आपका 0.1%। केवल 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है किसमें? ब्लड प्लाज्मा में।
और अगर लास्ट की बात करें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 0.9%। तो ब्लड कॉर्पसल्स में ये चीज़ें आपको जानना इंपॉर्टेंट था। क्या जानना इंपॉर्टेंट था कि भैया किन किन चीज़ों से मिल करके हमारा ब्लड प्लाज्मा बना है। तो पहला है वाटर, कितना होता है 91 से 92%। प्रोटीन की बात करें तो ये होता है 7%। कौन कौन सा प्रोटीन होता है, एक होता है फिब्रिनोजन, दूसरा क्या होता है एल्बुमिन। फिर हम बात करें थर्ड पॉइंट ग्लूकोज, कितना पाया जाता है 0.1%। फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी अजैविक, तो कौन कौन कितने पाए जाते हैं, तो 0.9% पाया जाता है। तो ये तो था आपके ब्लड प्लाज्मा के बारे में सारी चीज़ें। अब हमें देखिए ब्लड प्लाज्मा के बारे में और कुछ नहीं जानना है, सिर्फ यही चीज़ें थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी जो आपकी पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम पूरे ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बता देते हैं, यानी आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। हम देखेंगे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जन्म स्थल क्या होता है, आरबीसी का मरुस्थल यानी कि जो इनका जहाँ अगर बर्थ हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये मरेंगे भी, तो वो कौन सा होता है जिसे ग्रेवयार्ड कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आपको ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं। तो आइए अब ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि रक्त कणिकाओं में पहला चीज़ जो है आपका वो क्या है, आरबीसी। तो हम आरबीसी के बारे में देखते हैं, तो आपको भी हेडिंग डालना होगा आरबीसी। अब आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, या लाल रक्त कणिका बोलते हैं, ठीक है, या कणिकाएं लिख लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका रेड ब्लड सेल। इसमें जो आपको पहला पॉइंट जानना है, वो पहला पॉइंट है कि अच्छा ये बताइए कि जो हमारा आरबीसी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर साइंटिफिक नेम क्या है। देखिए एग्ज़ाम में आपके जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ वही बताया जाएगा, है ना, तो निश्चिंत होकर के पढ़ें। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का, तो ये आपका होता है एरिथ्रोसाइट। ये क्या होता है, तो ये आपका होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, सारी बात समझ में। तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं सर, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। सो होप कि यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या था, वैज्ञानिक नाम क्या है इनका, तो ये है आपका एरिथ्रोसाइट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बताइए सर कि इनका कलर, तो जाहिर सी बात है रेड ब्लड कॉर्पसल तो रेड होगा। एक क्वेश्चन होता है कि अच्छा ये बताइए इनका शेप क्या होता है, शेप का मतलब होता है इनका आकार क्या होता है, तो किस शेप में पाए जाते हैं ये अगर हम बात करें आरबीसी, तो इनका जो शेप होता है उसे हम बोलते हैं ओवल। शेप क्या होता है इनका, इनका शेप होता है ओवल, या इसी को हम बोलते हैं अंडाकार। और संख्या की बात कर लें तो आपको पता है नंबर कितने हैं, तो 50 लाख है। कितनी संख्या होती है, 50 लाख। शेप क्या है सर, तो ओवल शेप हो गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें आरबीसी में, तो ये बताइए इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, अब चाय बनाने वाला स्पैन नहीं, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल, यानी कि इनका जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है। तो इनका जो लाइफ स्पैन या जीवन काल होता है आरबीसी का, याद रखिएगा ये आपका होता है 120 डेज का या 120 दिन का। कितने दिन का होता है ये, तो ये आपका होता है 120 दिन का। क्लियर है चीज़। तो लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो वो आपका होता है 120 दिन का, ठीक, यानी 120 दिन बाद ये क्या होता है, पुनः चेंज होते रहता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि भैया जब इसका लाइफ स्पैन के बारे में जान लिया 120 दिन, तो ये क्या होता है भैया, इसका कोई जन्म स्थल होगा और इसका कोई मरुस्थल होगा। तो एक तो होता है बर्थ प्लेस, क्या होता है बर्थ प्लेस। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जो आरबीसी है उनका जन्म कहाँ पर होता है, या जन्म स्थल के नाम से जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये बताइए इनका ग्रेवयार्ड, ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र होता है ना, तो ग्रेवयार्ड यानी इसी को हिंदी में कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब वो वाला नहीं, मरुस्थल मतलब वो नहीं जमीन वाला, वो नहीं, इसको मरुस्थल मतलब वह एरिया या फिर वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होते हैं आरबीसी हमारे खत्म होते हैं, जाकर के मरते हैं, ठीक। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच्छा ये बताइए कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल है, अगर मैं रेशियो निकालूं आरबीसी का तो वो कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यूबीसी रेशियो आरबीसी कितना होता है, या डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका के बीच में जो अनुपात होता है वो कितने का होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, पॉइंट अगर लिख सकते हैं, इसे ए पॉइंट मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं, इसे सी मान सकते हैं, इसे डी मान सकते हैं, इसे ई मान सकते हैं, इसे एफ मान सकते हैं, ठीक। पहले इतना देखते हैं फिर फंक्शन देखेंगे। तो अगर हम शेप की बात करें तो ओवल या अंडाकार, लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 दिन होता है। इनका जो बर्थ प्लेस या जन्म स्थल होता है सर, ये आपका होता है बोन मैरो। ये क्या होता है, ये आपका होता है बोन मैरो।
अब बोन मैरो को हिंदी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अब बोन मैरो कहाँ पर होता है सर? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने हड्डी देखा होगा, बोन देखा होगा, है ना? तो अगर मैं बोन की बात करूँ तो ये होता है हमारा बोन। ये क्या होता है? हमारा बोन। और यहाँ पर ये जो मैं आपके ब्लैक कलर से बता रहा हूँ, तो बोन के अंदर ये जो ब्लैक कलर का पार्ट बना रहा हूँ, ये क्या होता है? यही आपका होता है बोन मैरो, या इसी को हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में होता है। तो बर्थ प्लेस क्या है आरबीसी का? तो आपका बोन मैरो है, यानी कि हड्डियों के बीच में। ग्रेवयार्ड की बात करें, मरुस्थल की बात करें, तो एक चीज़ जान जाइएगा कि क्वेश्चन ही पूछ देता है कि बताइए ग्रेवयार्ड के नाम से किसे जाना जाता है या मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है आपका स्प्लीन। ये क्या है आपका? स्प्लीन। और स्प्लीन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? तिल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तिल भी कह देते हैं। ये कहाँ पर होता है? हमारे पेट में एक साइड जाकर के चुपचाप पड़ा हुआ होता है, ठीक। तो आरबीसी जाकर के मरता कहाँ पर है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। प्लीहा को और क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्या है? जैसे आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि ब्लड बैंक के नाम से हम किसे जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए विच इज नोन एज ब्लड बैंक, या ब्लड बैंक के नाम से हम जानते किसे हैं? तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा? इसका भी आपका आंसर होगा स्प्लीन, यानी कि प्लीहा। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है सर? ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक क्या होता है? वो जगह जहां पर हमें रक्त यानी कि ब्लड मिलता है। तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्प्लीन को जाना जाता है, यानी कि प्लीहा को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन है कि बताइए कि जो हमारा WBC और RBC है, इसका जो रेशियो है वो कितना है? तो WBC अगर पाया जाता है 1, तो RBC पाया जाता है 600, यानी कि 600। तो अगर आपसे पूछे कि WBC और RBC का रेशियो कितना है, तो यह है 1:600, यानी 1 और 600 के बीच में क्या होता है अनुपात? तो WBC की संख्या 1 है, तो RBC की संख्या कितनी होती है? 600। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है कि बताइए WBC और RBC का रेशियो कितना है? 1:600। तो हमने क्या क्या पढ़ा ब्लड के बारे में? RBC पढ़ा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। सेप क्या है? ओवल है। लाइफ स्पेन, जीवन काल कितने दिनों का? 120 दिनों का है। बर्थ प्लेस क्या है सर? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ग्रेवयार्ड क्या है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा। प्लीहा को और क्या कहते हैं? तो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। WBC और RBC का रेशियो कितना होता है? तो ये होता है 1:600 का। अब एक चीज़ आपको जानना है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है या फिर कार्य क्या होता है। ये एफ था, जी वाला पॉइंट हम देख लेते हैं कि फंक्शन या फिर कार्य क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ RBC, अब RBC का फंक्शन क्या होता है सर? क्योंकि ये किस कलर का है? रेड कलर का है। तो ये क्या करता है सर? तो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करता है सर? हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, ठीक। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा डिजीज का, तो उसमें मैंने आपको वायरल डिजीज बताया था, और उसमें मैंने आपको एक डिजीज एड्स के बारे में बताया था, जिसका प्रभावित अंग WBC होता है, यानी श्वेत रक्त कणिका होता है। और मैंने उसमें आपको बताया रहा होगा, जाकर के आप देखेंगे कि उसे क्या बोलते हैं, या फिर WBC का काम क्या होता है? तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम होता है, ठीक। और RBC का काम क्या होता है? कि हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? हीमोग्लोबिन। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? तो यह हमारे हमारे शरीर में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है सर? ऑक्सीजन पहुंचाता है। मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था एक टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था सर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र, उसमें मैंने आपको बताया था एक जगह होता है हमारे लंग्स में जिसको बोलते हैं एल्वियोली सैक, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वायुकास्ट। वहाँ पर उसको वायुकास्ट क्या होता है सर? तो उसका कुछ सरफेस एरिया होता है ना, और वहाँ पर क्या होता है कि हमारे जितने भी इम्प्योर ब्लड हैं यानी कि अशुद्ध रक्त हैं, वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? प्योर ब्लड में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बह जाते हैं। तो जितने इम्प्योर ब्लड होते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जितने प्योर ब्लड होते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यही मैंने आपको उसमें बताया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फंक्शन की बात करें तो क्या होता है सर? हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्लियर है ये चीज़ें? तो ये पूरा था आपके RBC के बारे में जो आपको जानना जरूरी था। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपको हम WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। WBC का यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, मैंने भी बताया नहीं है, बट क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए जो हमारा RBC होता है, क्या उसके पास न्यूक्लियस होता है क्या? हमारा जो RBC होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है क्या? तो नहीं, RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता है।
ठीक। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैंने कहीं पढ़ा था। देखिए एसएससी में और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि आरबीसी के पास केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि आरबीसी के पास केंद्रक होता है उसे बोलते हैं ई न्यूक्लियस। ई न्यूक्लियस क्या होता है? होता है एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, लेकिन आपको क्या जानना है कि आरबीसी के पास केंद्रक नहीं होता, तो वो भी उसके एक फंक्शन में ऐड कर लीजिएगा। अब WBCI व्हाइट ब्लड कॉर्पसल की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम जानने से पहले हमें ये जानना होगा, वैज्ञानिक नाम से याद है मुझे, कि खोज किसने किया था। WBC का खोज या फिर हम बोलें डिस्कवर किसने किया था? तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंध्र। एक का नाम क्या था? एक का नाम था आंध्र और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था एडमिन। तो आंध्र और एडमिन ने मिल करके किसको खोजा था सर? तो इन्होंने मिल करके खोजा था आपके WBC या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को, ठीक है। अब अगर इनके हम वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी दो मत है, यानी कि यहाँ पर भी दो साइंटिफिक नेम है, एक तो है पहला और दूसरा है दूसरा। तो पहला इनका नाम क्या है? पहला है ल्यूकोसाइट। पहला क्या नाम है? पहला नाम है ल्यूकोसाइट, दूसरा नाम है लिम्फोसाइट। दूसरा नाम क्या है? लिम्फोसाइट। अब ये दो नाम पढ़ने का क्या रीजन है, यानी वैज्ञानिक नाम? भाई WBC है तो एक, लेकिन इसके दो नाम, एक ल्यूकोसाइट है दूसरा लिम्फोसाइट है। तो देखिए ल्यूकोसाइट हम कब बोलेंगे? ल्यूकोसाइट हम तब बोलेंगे जब जो हमारा WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल सब वो कहाँ पाया जाए, ये जब ब्लड में पाया जाए। यानी कि क्वेश्चन देगा कि जो हमारा WBC है अगर ये ब्लड में पाया जा रहा है तब उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट होगा। और अगर मान लीजिए ये हमारे लिम्फ यानी कि लसिका में पाया जा रहा है तो इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम होगा लिम्फोसाइट, ठीक। तो खोज किसने किया था? आंध्र एडमिन ने किया था। वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक। शेप या आकार की बात करें तो इनका जो शेप होता है सर वो कैसा होता है? तो इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इनका शेप WBC का कैसा होता है? इरेगुलर होता है, या इसी को हम बोलते हैं अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो मैंने देखा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं 13 से 14 दिन। भैया मेरे अगर 13 से 14 दिन लाइफ स्पैन होता ना तो कोरोना काल में निपट लिए होते आप, है ना। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा था ना अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करिए, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कौन करता है सर? WBC करता है। तो अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा ही नहीं तो WBC ठीक रहेगा कहाँ से? तो WBC का ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो ये होता है 3 से 4 दिन का। कितना होता है? 3 से 4 दिन, कहेंगे 3 से 5 दिन में दिया जाता है तो ठीक है। तो लाइफ स्पैन कितना होता है सर? 3 से 4 दिन का होता है। बर्थ प्लेस क्या होता है? तो इसका भी जो बर्थ प्लेस होता है, इसका भी जो जन्म स्थल होता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका बोन मैरो ही होता है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा ही होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा ही होता है, ठीक। फिर हम बात करें ग्रेवयार्ड यानी मरुस्थल, यानी कि जो आपका WBC है वो निकलता कहाँ से, पैदा कहाँ से होता है? बोन मैरो अस्थि मज्जा से। लेकिन मरता कहाँ पर है जाकर के? तो ये मरता है रक्त प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में। यानी खत्म कहाँ पर होता है जाकर के, मरता कहाँ पर है? तो ब्लड प्लाज्मा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लाइफ स्पैन, बर्थ प्लेस और ग्रेवयार्ड, ठीक। ये तो नॉर्मली रहेगा। WBC और RBC का रेशियो कितना होता है? तो 1:600 होता है। सेप क्या होता है? इरेगुलर होता है। लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन का होता है। बर्थ प्लेस बोन मैरो या अस्थि मज्जा, ग्रेव यार्ड इन मरुस्थल, ब्लड प्लाज्मा यानी कि रक्त प्लाज्मा, WBC RBC कितना होता है? 1:600 होता है। अब इसके भी फंक्शन को हम देख लेते हैं, इसके भी फंक्शन को देख लेते हैं। तो इसका फंक्शन या फिर कार्य क्या होता है सर? तो बता दीजिए सर। अच्छा, तो इसके फंक्शन के बारे में हमें जो पहला फंक्शन जानना है वह क्या है? तो लिख लीजिएगा, यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है सर? बढ़ाता है। यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या क्या कह सकते हैं? इट इंक्रीजेज आवर इम्यूनिटी सिस्टम। दूसरा इसका कार्य क्या हो जाएगा? तो दूसरा जो इसका कार्य होगा वो बहुत ही सिंपल है और आप सब लोगों को पता है क्या है, कि भैया इनके पास केंद्रक होता है, इनके पास न्यूक्लियस या फिर केंद्रक होता है। तो ये दो फंक्शन था जो आपको इस बारे में जानना था। RBC का फंक्शन क्या था? कि हमारे ऑक्सीजन पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, और इनके पास क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है? यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि WBC है जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें, उनको खत्म करने का काम कौन करता है? WBC करता है, ठीक। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जब मैंने डिजीज में एड्स पढ़ाया था तब इसके बारे में बताया था। इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है।
तो ये तो था आपका ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स में दो, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तीसरा जो है वो है आपका प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। तो चलिए इसको इरेज करके आपके प्लेटलेट्स के बारे में बता देते हैं और इसको डिलेक्शन। आइए अब जो एकदम लास्ट बचा है जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्लेटलेट्स है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है हमारे प्लेटलेट्स का? तो सर इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, आ रही बात समझ में? यानी कि अगर हम बात करें आरबीसी का, उसका नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बात करें तो वो एक तो था ल्यूकोसाइट, जो ब्लड में पाया जाता है। लिम्फोसाइट, जो लिम्फ यानी कि लसिकाओं में पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम प्लेटलेट्स की बात करें तो वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक, शेप क्या होता है सर? किस आकार का होता है? तो ये होता है सर आपके उत्तल लेंस का। किस आकार का होता है? उत्तल लेंस का होता है, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी तरीके का ये होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस का। ये किसका शेप होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉनकेव लेंस का क्या होता है? तो कॉनकेव लेंस का ये होता है। लेकिन जब हम आपका फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे लाइट, तो उसमें मैं आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में एकदम डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। ठीक, तो उत्तल लेंस यानी कि शेप क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। लाइफ स्पैन या जीवन काल की बात करें तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो यह केवल 7 दिनों का ही होता है। क्या होता है? 7 दिन का होता है। ठीक, बर्थ प्लेस और ग्रेवयार्ड की बात करें कि हमारा जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ पर बनता है और कहाँ पर खत्म होता है, तो दोनों ही है सर आपका ब्लड प्लाज्मा। दोनों ही क्या है? ब्लड प्लाज्मा, या इसी को हिंदी में कहते हैं रक्त प्लाज्मा। क्या कहते हैं? रक्त प्लाज्मा कहते हैं, है ना? तो क्या क्या जानना था कि जो प्लेटलेट्स है उसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है, शेप क्या है तो उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, लाइफ स्पैन 7 दिन का होता है, बर्थ प्लेस जन्म स्थल ब्लड प्लाज्मा, ग्रेवयार्ड मरुस्थल क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। अगर हम बात करें इनके फंक्शन का, फंक्शन क्या होता है, तो सर ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अब रक्त का थक्का क्या होता है सर, इसके फंक्शन में क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, या रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का क्या होता है? जैसे देखिए आपका कहीं पर कुछ कट जाता है, ठीक है, कट जाने के बाद अगर आप उसे जोर से ऐसे पकड़ लो कुछ देर तक, तो क्या हो जाएगा कि रक्त वहीं पर जम जाएगा। जैसे देखते हैं अगर कहीं पर हमें कुछ चोट वोट लग जाता है तो वहाँ पर तुरंत हैंकिया कपड़े से बांध दिया जाता है। क्यों इसलिए बांध दिया जाता है? क्योंकि जो हमारा ब्लड रुक आ रहा है बहुत तेज़ी से, वह क्या हो जाए सर, रुक जाए। तो रक्त का थक्का बनने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका जमना, रक्त का जमना ही कहलाता है रक्त का थक्का। हमारी बात समझ में? यानी कट जा रहा है, मैंने इसको जोर से दबा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा या रक्त का थक्का बन जाएगा, जिसके वजह से रक्त आना कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जब आपको जेनेटिकल डिजीज़ पढ़ाएंगे तो उसमें को होता है हीमोफीलिया, जिसमें हम बोलते हैं रॉयल डिजीज़, है ना? तो रॉयल डिजीज़ क्यों बोलते हैं? हीमोफीलिया रोग क्या है? तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाता, इसका मतलब रक्त कितना भी बहे रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं। तो रक्त का थक्का बनना का मतलब रक्त का जम जाना। क्लियर है चीज़? तो ब्लड क्लॉटिंग में कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपको जानना। जैसे जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें कौन सा सेल प्रभावित होता है, यानी कि कौन से सेल के कारण होता है? तो ये आपका होता है सर प्लेटलेट्स। किसके कारण होता है? ये होता है प्लेटलेट्स के कारण। हरी बात सुन रहे? अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में होता है आपका विटामिन के, यानी कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन के। फिर पूछा जाए कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो ये होता है थ्रोम्बिन। क्या होता है? ये होता है थ्रोम्बिन, और एक होता है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर हम बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हार्मोन होता है, तो एक होता है थ्रोम्बिन, दूसरा क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा अगर मैं बात करूँ कौन सा एलिमेंट या तत्व होता है, कौन सा एलिमेंट या फिर तत्व होता है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो ये आपका होता है सर कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। यानी कि रक्त का थक्का बनने में क्या मददगार होता है सर? कैल्शियम। और अगर हम प्रोटीन की बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो नो डाउट ये है आपका फिब्रिनोजेन। ये क्या है? फिब्रिनोजेन, या फिब्रीन भी बोल सकते हो, कुछ भी ऑप्शन में आया तो आप टिक कर सकते हो, है ना? तो ये क्या काम करता है सर प्लेटलेट्स आपका? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग किस सेल में होता है सर? प्लेटलेट्स में। किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के। हार्मोन्स क्या होता है? तो थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। एलिमेंट क्या होता है? कैल्शियम। और प्रोटीन क्या होता है? फिब्रिनोजेन। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूँ हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो बंधु मेरे ये कहाँ से निकलता है, तो एक हमारे सर में ग्लैंड होता है, यानी हमारे मस्तिष्क में ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, है ना? और उसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ से एक
हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करता है, हमारे ग्रोथ में मदद करता है। जैसे आप देखे होंगे कोई 2 ही फीट का है तो कोई 10 फीट का हो जा रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा जाएगा उस टाइम पर, ठीक। तो ये तो था आपका ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर उतनी ही चीज़ें रखी हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में पूछता हो। तो होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप का, यानी कि जो रक्त समूह होता है उसका डिस्कवर किसने किया था। RH फैक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है, कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, कौन से ब्लड ग्रुप से हम किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं या फिर किसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए कि उससे हम ब्लड ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम किसके कब देखेंगे सर। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।